हेलो दोस्तों, मैं अनुरोध यादव निर्णय अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम लोग आज एक ज्योग्राफी में मजेदार टॉपिक पढ़ते हैं। दोस्तों कौन सा है? भारत की मिट्टियां, सॉयल ऑफ इंडिया। दोस्तों इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से कोई भी एग्जाम एक्स वाई जेड आप देते हैं तो यहाँ से एक सवाल आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात करते हैं कि भारत में मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं और इसका विभाजन किसने किया है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में मिट्टियों का विभाजन कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है। किसने किया है? तो कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है। कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने 1986 में किया है। किसमें किया दोस्तों? 1986 में किया है। और इसने बताया है कि भारत में जो मिट्टियां हैं वह आठ प्रमुख, कितने प्रकार? आठ प्रकार की बताया है, जबकि इसने जो है 27 प्रकार गौण रूप का बताया है। ठीक है, गौण रूप से, यानी कि जो भारत में मिट्टियां पाई जाती हैं वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यह बताता है कि आठ प्रमुख प्रकार की मृदाएं हैं जो भारत में पाई जाती हैं, जबकि 27 प्रकार की गौण प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोग आठ प्रमुख कौन कौन सी मृदाएं हैं तो देखने का प्रयास करते हैं। पहला है आपका जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा, इसको इंग्लिश में एलुवियल सॉयल कहते हैं। दूसरी है लाल मृदा, रेड सॉयल। तीसरी है काली मृदा, ब्लैक सॉयल। चौथा है लैटराइट मृदा। पांचवी है आपकी पर्वतीय मृदा। छठवीं है आपकी मरुस्थली मृदा। सातवीं है आपकी दोस्तों पीट मृदा। और आठवीं है आपकी दलदली मृदा। कौन सी? दलदली मृदा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो कृषि अनुसंधान परिषद है उसने जो है मिट्टियों को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो उसने जो है आठ प्रमुख भागों में डिवाइड किया है। तो ध्यान दीजिएगा, कितने भागों में डिवाइड किया है? तो आठ प्रमुख भागों में डिवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, अब इन लोगों को जो आठ प्रकार की मिट्टियों में विभाजन किया गया है, इन आठ प्रमुख मृदाओं को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं और इसी क्रम में हम लोग पहली मृदा लेंगे। पहली कौन सी है? जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉयल। क्या कहते हैं? एलुवियल सॉयल कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इस जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, पहले तो इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण होता है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। निर्माण किससे? तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि जहां पर भी नदी घाटियां पाई जाएंगी वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, अगर बात करें तो इसका सबसे अधिक विस्तार कहां है, तो सबसे अधिक विस्तार की बात करें तो दोस्तों उत्तर भारत में मिलता है। कहां मिलता है? उत्तर भारत में मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि नर्मदा ताप्ती महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी घाटियों और केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कहां पाई जाती है? यह पाई जाती है आपकी जो है नर्मदा ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और जो है केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है कितने क्षेत्रफल पर विस्तार है, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो विस्तार है वह 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर है। कितने पर है?
15 लाख वर्ग किलोमीटर पर है, और अगर भूभाग की दृष्टि से देखा जाए, परसेंटेज की दृष्टि से देखा जाए तो 43.4% भूभाग पर यह पाई जाती है। कितने भाग पर? 43.4% भूभाग पर पाई जाती है। और दोस्त ध्यान दीजिएगा, जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जलोढ़ मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में। एक है आपके बांगर और दूसरा कौन सा है? खादर। एक है बांगर, दूसरा है खादर। जहां पर हम बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा है, कैसी मृदा है? पुरानी जलोढ़ मृदा है। वहीं पर खादर जो है नवीन जलोढ़ मृदा है। कैसी मृदा है? नवीन जलोढ़ मृदा है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब मैं भौतिक प्रदेश पढ़ा रहा था आपको, तो वहां पर इसके विषय में बताया था, बांगर और खादर के विषय में, कि ऐसा क्षेत्र जहां पर बाढ़ का जल प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता है, वहां की मृदा को हम किस नाम से जानते हैं? तो बांगर के नाम से जानते हैं। और यहां पर सिंचाई सुविधा के आधार पर हम कृषि कार्य संपादित करते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो खादर है इसका विपरीत उल्टा कर दीजिए, अर्थात जहां पर नदी बाढ़ का जल प्रत्येक वर्ष पहुंच जाता है, ऐसे मृदा को हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा का मतलब है दोस्तों कि यहां पर प्रत्येक वर्ष अवसाद क्या होते हैं? जमा होते रहते, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहां पर और खादर को मैंने आपको बताया था कि यहां पर कृषि कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर बाढ़ आती है। और दोस्तों ध्यान रखिए, ऐसे सोता हुआ शैतान की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, कि आखिर जो जलोढ़ मृदा है दोस्तों, इसमें मात्रा किसकी अधिक पाई जाती है? पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। कौन तत्व विद्यमान होते हैं और कौन से तत्व की कमी पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, पोटास, पोटास, फास्फोरिक, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, चूना, फास्फोरिक अम्ल, चूना की क्या होती है? इसमें जो है पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, यानी पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना मृदा में क्या होते हैं? पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं। जबकि इसमें देखा जाए दोस्तों, तो नाइट्रोजन, कौन सा? फास्फोरस और नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन व जीवांश, जीवांश किसे कहते हैं दोस्तों? तो इंग्लिश में इसे ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस की क्या होती है? कमी पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस, नाइट्रोजन व जीवांश की कमी पाई जाती है। कहां पर? जो है आपके जलोढ़ मृदा में। तो जलोढ़ मृदा में एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में किस खाद का सबसे अधिक छिड़काव होता है कृषि कार्यों में? तो सबसे अधिक में जो है यूरिया का होता है। यूरिया का होने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कि भारत की मृदा में सबसे अधिक अगर किसी तत्व की कमी है तो वह कौन सी है? तो वह आपका है नाइट्रोजन। किसकी है? नाइट्रोजन की सबसे अधिक कमी है। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरी मृदा को। दूसरी मृदा है आपकी लाल मृदा या रेड सॉयल। लाल मृदा या रेड सॉयल, ध्यान दीजिएगा, इस मृदा का निर्माण कहां पर होता है? इस मृदा का निर्माण या क्षेत्रफल पहले हम देख लेते हैं। क्षेत्रफल यह पाई जाती 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाई जाती है दोस्तों। और अगर हम बात करें प्रतिशत के आधार पर, तो 18.6% भूभाग पर यह पाई जाती है। कितने भूभाग पर? तो 18.6% भूभाग पर पाई जाती है। और इस प्रकार की मृदा का जो विस्तार है दोस्तों, वह सबसे अधिक कहां पर होता है? तो ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पर वर्षा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। वर्षा जहां पर सर्वाधिक होगी, वहां पर इस प्रकार की मृदा का विस्तार होगा, खासकर तमिलनाडु में। सबसे अधिक विस्तार कहां? तमिलनाडु में। तो सबसे अधिक वर्षा कहां हो रही? तमिलनाडु में। लेकिन दोस्तों तमिलनाडु के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पाई जाती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और जो है दोस्तों आपका कहां पर? झारखंड में। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे तमिलनाडु सर्वाधिक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
उड़ीसा व झारखंड में इसका विस्तार पाया जा रहा है। लेकिन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तमिलनाडु में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं तमिलनाडु में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, खासकर यहाँ साल भर वर्षा होती है, और साल भर वर्षा होने के कारण कोरोमंडल तट का नाम सुना होगा। कोरोमंडल तट पर जो है मानसून के दौरान भी वर्षा होती है, जबकि लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर इनका रंग जो है लाल क्यों होता है। तो लाल रंग होने का कारण क्या है दोस्तों? इस मृदा का लाल रंग होने का कारण है फास्फोरस ऑक्साइड की उपस्थिति। किसके? फास्फोरस ऑक्साइड। किसके? तो लोहे के ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड, फास्फोरस नहीं सॉरी फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या लोहे के ऑक्साइड की अधिकता, फेरस की ऑक्साइड या लोहे की ऑक्साइड की अधिकता, लोहे की ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होता है दोस्तों? इस मृदा का रंग लाल होता है। और दोस्तों अगर बात करें तो इस मृदा में जो है लोहा, एल्युमिनियम और चूने का अंश, लोहा एल्युमिनियम व चूने का अंश, चूने का अंश जो है दोस्तों पर्याप्त मात्रा में या अधिक मात्रा में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा या अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसका? लोहा एल्युमिनियम चूना का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी पाई जाती है। किसकी? तो नाइट्रोजन व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा जो मृदा है कि किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस प्रकार सवाल बनेगा, किस क्षेत्र में पाई जाती है, इसमें कौन से तत्वों की प्रधानता होती है, इसमें वह किस तत्व की कमी होती है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लाल मृदा में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या है? कमी पाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अगली मृदा की ओर। अगली मृदा है काली मृदा। कौन सी है? तो काली मृदा है। बात करते हैं ब्लैक सॉइल, काली मृदा। और यहां से दोस्तों बहुत बार सवाल आपसे पूछा गया खासकर ब्लैक सॉइल को लेकर के, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग जब भी वीडियो को देखें तो कॉपी और कलम लेकर के बैठे हो, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग काली मृदा की तरफ। तीसरा है काली मृदा या ब्लैक सॉइल। काली मृदा या ब्लैक सॉइल दोस्तों, इसका जो विस्तार है वह पाया जाता है 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर पर, और अगर प्रतिशत की बात करें तो 16.6% पर इसका भूभाग पर पाया जाता है। प्रतिशत अगर पूछा जाएगा 16.6%, क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 5.46%। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस जो काली मृदा है इसका स्थानीय रूप से नाम, इसे हम रेगुर मृदा या कपास मृदा या स्वतः जुताई वाली मृदा या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरलोजम या चरलोजम मृदा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो काली मृदा को रेगुर मृदा, कपास मृदा, रोता जुताई वाली मृदा या सरलोजम या चरलोजम मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश में से करेल काली कपास मृदा के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में किस नाम से? तो उत्तर प्रदेश में करेल काली कपास मृदा के नाम से जानते हैं, काली कपास मृदा का नाम से जानते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आपसे यह नाम भी पूछा जाएगा, अभी मैं बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों इसे जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चेर्नोजम या सरनोजम के नाम से इसे क्यों जाना जाता है। तो खासकर यह उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में पाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहां पाई जाती है, उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो कर्क रेखा से दक्षिण का क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंधी क्षेत्र है। तो इस प्रकार की मृदा कहां मिलेगी, तो उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में, कहां पर, उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में मिलेगी। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में, तो उष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाई जाती है। इस कारण से इस मृदा को हम किसके नाम से जानते हैं, हम जो है इसे काली मृदा या सरनोजम मृदा के नाम से जानते हैं। और इसे दोस्तों स्वतः जुताई वाली मृदा क्यों कहा जाता है, इसको भी ध्यान दे दीजिए। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि जब इसमें जो है सिंचाई की जाती है, अर्थात पानी जो पा जाती है मृदा, पानी दे दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, लिपलिपी हो जाती है। लेकिन सूखने के पश्चात इसमें चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है, और चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ने के कारण इस मृदा को स्वतः जुताई वाले मृदा के नाम से जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि जल धारण करने की सबसे अधिक कैपेसिटी किस मृदा की है, तो जल धारण करने की क्षमता जो है, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक किस मृदा की, सर्वाधिक तो ब्लैक सॉयल की। ठीक है, तो काली मृदा की जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और इसका निर्माण कहां हुआ है, तो निर्माण थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण दक्कन के पठार पर हुआ है। दक्कन के पठार पर हुआ है, किस चट्टान से हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। ठीक है, किस चट्टान से, तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। और दक्कन के पठार का निर्माण किससे, तो ज्वालामुखी से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अर्थात काली मृदा का निर्माण किससे हुआ है, तो काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के कारण हुआ है। और किस चट्टान से हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। किस चट्टान से हुआ है, तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। और विस्तार की बात करें दोस्तों, तो विस्तार सबसे अधिक कहां, तो विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, विस्तार सबसे अधिक महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अलावा मृदा कहां पाई जाती है, तो गुजरात में। कहां पर, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक व तेलंगाना में पाई जाती है। कहां पर, तेलंगाना में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक कहां पर, तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, और कुछ हद तक तो उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस मृदा में किस चीज की कमी होती है, तो इसमें जो है अगर बात करें तो लोहे और चूने, लोहा चूना कैल्शियम, कैल्शियम पोटास, लोहा चूना कैल्शियम, कैल्शियम पोटास, पोटास कैल्शियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम व मैग्नीशियम व मैग्नीशियम की क्या होती है, पर्याप्तता पाई जाती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट है कि पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो लोहा चूना कैल्शियम पोटास एल्युमिनियम व मैग्नीशियम कार्बोनेट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि दोस्तों नाइट्रोजन फास्फोरिक और जैविक पदार्थों की क्या होती है, कमी पाई जाती है। किसकी किसकी, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ व फास्फोरिक मात्रा की क्या होती है, कमी पाई जाती है, मात्रा की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जैविक पदार्थ फास्फोरिक की मात्रा की क्या है, कमी पाई जाती है। और यह इसमें जो है अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक उर्वरता किसमें पाई जाती है, तो उर्वरता सर्वाधिक ब्लैक सॉइल में पाई जाती है, सर्वाधिक इसी में पाई जाती है, इसी मृदा में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक उर्वरता कहां पाई जाती है, तो सबसे अधिक उर्वरता आपके काल मृदा में पाई जाती है। दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले मृदा की ओर। अगली जो मृदा है
वह है आपकी है लैटराइट मृदा। कौन सी है? चौथी लैटराइट मृदा, लैटराइट मृदा, लैटराइट मृदा। यह जो है कितने क्षेत्रों में पाई जाती है? तो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है, 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। और प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 3.7% क्षेत्रफल पर पाई जाती है दोस्तों। और इसका विस्तार कहां पर है, कहां सबसे अधिक पाई जाती है? तो जहां वर्षा सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है या विकास हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक विकास इसका कहां पर? तो इसका विकास सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है आपकी केरल में। कहां पर? केरल है, तमिलनाडु है, केरल, महाराष्ट्र और असम। केरल, महाराष्ट्र व असम, असम में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में दो प्रकार की मृदा को हम लोगों ने देखा, एक लाल मृदा को देखा और एक लैटराइट मृदा को देखा। तो जहां पर लाल मृदा सबसे अधिक तमिलनाडु में, वहीं पर लैटराइट मृदा सबसे अधिक कहां पाई जा रही है? केरल में पाई जा रही है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस मृदा का स्वरूप जो है वह कैसा होता है? ईंट जैसा कठोर होता है। इस मृदा का स्वरूप कैसा है? तो स्वरूप ईंट जैसा कठोर है, ईंट जैसा कठोर है। और भीगने पर यह लिपलिपी हो जाती है, भीगने पर यह क्या होती है? लिपलिपी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी मृदा जो है स्वभाव या स्वरूप कठोर है, तो किसका है? तो आपके लैटराइट मृदा का है दोस्तों। अगर इस मृदा से किसी के सर में माने मार देंगे तो मृदा में मिट्टी नहीं फूटेगी, लेकिन सर जरूर फूट जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कभी ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि भूगोल पढ़ने से कुछ ना कुछ जो अपने सुरक्षा के लिए जो कवच रखना चाहिए, ठीक है? और यह कहां पर मिट्टी पाई जाती है? तो यह भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अभी हम लोगों ने देखा कि लाल मृदा भी पाई जा रही थी और कहां पर जो है लैटराइट मृदा दोनों पाई जा रही है। और यह ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती हो, 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस मृदा में को लैटराइट मृदा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें जो है लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण, लोहे की ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग लाल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहां पर भी लोहे की ऑक्साइड की अधिकता पाई जा रही है, फेरस ऑक्साइड की अधिकता पाई जा रही है, जबकि लाल मृदा में भी लोहे की ऑक्साइड या फेरस की ऑक्साइड की अधिकता पाई गई थी, ठीक है दोस्तों? बात करते हैं इसमें किस चीज की अधिकता पाई जाती है, तो लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की, लोहा व एल्यूमिनियम, लोहा व एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की प्रचुरता, ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जा रही है। जबकि बात करें दोस्तों, तो इसमें भी नाइट्रोजन पोटास चूना व जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहां पर लोहा एल्युमिनियम की अधिकता तो पाई जा रही है, लेकिन नाइट्रोजन पोटास चूना व जैविक पदार्थों की क्या है? कमी पाई जा रही है। चलते हैं दोस्तों अगली मृदा की ओर। अगली मृदा है आपकी मरुस्थलीय मृदा। कौन सी है दोस्तों? तो मरुस्थलीय मृदा है। बात करते हैं हम लोग मरुस्थलीय मृदा की।
जैसे कि नाम से ही लग रहा है मरुस्थल, यानी इस प्रकार की मृदा ऐसे क्षेत्रों में पाई जा रही है जहां पर पानी की क्या है, कमी है, जहां पर पानी की क्या है, कमी है, अर्थात वहां पर वर्षा नहीं होती है, और जहां वर्षा नहीं होती है वहां का क्षेत्र जो है किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो मरुस्थल के रूप में बदल जाता है। किसके रूप में बदल जाता है, तो मरुस्थल के रूप में बदल जाता है दोस्तों। तो इस कारण से वहां पर किस प्रकार की मृदा का विकास होता है, तो मरुस्थली मृदा का विकास होता है। चलिए अगले है मरुस्थली मृदा या डिजर्ट सॉयल। डिजर्ट सॉयल बात करें दोस्तों, इस मृदा को वनीय मृदा के नाम से भी जाना जाता, इस मृदा को देखा जाए तो विस्तार कहां पर पाया जाता है, इसका विस्तार पाया जाता है 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर पर। कितने पर, तो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाया जाता है। और बात करें विस्तार की, किसकी विस्तार की, तो विस्तार इसका है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहां पर है, तो गुजरात में। कहां पर है दोस्तों, तो गुजरात में। सौराष्ट्र है, कच्छ में है, यह भी गुजरात में है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में सबसे अधिक है। राजस्थान कहां पर, राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों। और यह बलुई व बजरी युक्त होती है। इस मृदा की प्रवृत्ति कैसी होती है, बलुई व बजरी युक्त। कैसी, बजरी युक्त मृदा है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। किसकी, जैविक पदार्थ व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें जो है अगर सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करा दिया जाए, क्या सिंचाई व्यवस्था अगर उपलब्ध करा दिया जाए तो सिंचाई व्यवस्था के आधार पर इस मृदा में मोटे अनाज की कृषि की जा सकती है। किसकी, तो मोटे अनाज की कृषि की जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अगर मरुस्थली मृदा की बात करें तो 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर पे विस्तार सौराष्ट्र का, हरियाणा राजस्थान में। किस प्रकार के बलुई व बजरी युक्त मृदा है, जैविक पदार्थ व नाइट्रोजन की कमी है, सिंचाई व्यवस्था के आधार पर इस मृदा में मोटे अनाज की कृषि की जाती है दोस्तों। और यहां पर जो झाड़ियां वनस्पतियां पाई जाती है वह कटीली झाड़ियां और वनस्पतियां पाई जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं किसकी, पर्वतीय मृदा की। किसकी, पर्वतीय मृदा की। ठीक है, अगली मृदा है आपकी कौन सी, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जैसे कि नाम से ही लग रहा है, पर्वतीय मृदा कहां पाई जाती होगी, पर्वतों पर पाई जाती होगी। कहां पाई जाती होगी, पर्वतों पर पाई जाती होगी। और इस मृदा को हम वनी मृदा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वनी मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसे वनी मृदा भी कहा जाता है। और इसका जो विस्तार है वह 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाया जाता है। कहां पर, 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाया जाता है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा यह जो मृदा है यह नवीन और अविकसित मृदा है। कैसी है, नवीन और अविकसित मृदा है। अविकसित मृदा है, कैसी है, नवीन और अविकसित मृदा है। यह आपसे सवाल पूछा गया है दोस्तों कि कौन सी नवीन मृदा है और अविकसित फॉर्म में है, तो वह कौन सी मृदा है, वह मृदा है आपकी कौन सी, जो है पर्वतीय या वनी मृदा है। और ध्यान दिया जाए तो यह कहां से कहां तक पाई जाती है, तो यह दोस्तों पाई जाती है आपकी कहां से, तो जम्मू कश्मीर से। कहां से, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। कहां पर, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, अर्थात हिमालयी क्षेत्र में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कहां से कहां तक, तो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक इस प्रकार की मृदा
पाई जाती है और इसमें पोटास चूना और फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। इसमें पोटास चूना व फास्फोरस का अभाव पाया जाता है, फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। जबकि दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर जीवांश या ह्यूमस का क्या होता है, अधिकता पाई जाती है। इस मृदा में जीवांश या ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। और अगर पूछा जाए कि यह जो पर्वतीय मृदा है किस प्रवृत्ति की होती है, तो दोस्तों यह जो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, किस प्रवृत्ति की होती है, अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। और अम्लीय प्रवृत्ति की मृदा सबसे अधिक किसके लिए, किस कृषि के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है चाय की कृषि के लिए। किसके लिए, चाय की कृषि के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, चाय की कृषि या चाय माने चाय की खेती किस प्रकार की मृदा में होती है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, तो उसकी प्रवृत्ति जो है अम्लीय होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तो अम्लीय होनी चाहिए। चलिए दोस्तों हम लोग अगले मृदा की बात करते हैं। अगले मृदा है आपकी सातवीं, पीट एवं दलदली मृदा। पीट एवं दलदली मृदा, पीट एवं दलदली मृदा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पीट मृदा, इस प्रकार के मृदा का जो निर्माण है वह कहां पर होता है, तो नम जलवायु वाले क्षेत्रों में। कहां पर, नम जलवायु वाले क्षेत्रों में, अर्थात जहां पर आर्द्रता क्या है, जहां पर आर्द्रता अधिक पाई जाती है वहां पर जो है क्या होता है, इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन सी, पीट एवं दलदली प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस ये जो है किससे बनी होती है, इस प्रकार की मृदा जो है वनस्पतियों से बनी होती है। किससे बनती है, तो वनस्पतियों से बनी होती है, वनस्पतियों से निर्मित होती है यह मृदा। और वनस्पतियों से निर्मित होने के कारण यह कहां पर, तमिलनाडु और केरल के आर्द्र क्षेत्रों में। कहां पर, तमिलनाडु, तमिलनाडु व केरल के, व केरल के आर्द्र क्षेत्रों में इनका विकास हुआ है। कहां पर, वनस्पतियों से निर्मित है, तमिलनाडु व केरल के आर्द्र क्षेत्रों में इनका निर्माण होता है। इसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, कि इसमें जैविक पदार्थ व घुलनशील नमक की मात्रा पाई जाती है। किसकी, जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ व घुलनशील, व घुलनशील नमक की मात्रा पाई जाती है। तो यानी कि घुलनशील नमक की मात्रा पाई जाती है, तो पीट एवं दलदली मृदा का स्वभाव कैसा हो गया, नमकीन हो गया। और नमकीन या हम कह सकते हैं क्षारीय प्रवृत्ति की है। कैसी मृदा है दोस्तों, तो नमकीन या क्षारीय प्रवृत्ति की है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों बात करते हैं कि इस प्रकार की मृदा का विकास सबसे अधिक कहां हुआ है, तो इसका विकास जो है उड़ीसा, उड़ीसा सुंदरबन। कहां पर, उड़ीसा सुंदरबन और उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्र। कहां पर, उत्तरी बिहार के, बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्र, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्र तथा तमिलनाडु में हुआ है। कहां पर, तथा तमिलनाडु में हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्र है। यहां पर क्या है, यहां पर है उड़ीसा सुंदरबन, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्र, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में। तो यहां पर जैसे है उड़ीसा सुंदरबन, उड़ीसा तो महानदी के डेल्टा के समीप इस प्रकार के मृदा का निर्माण हुआ है। सुंदरबन में गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त तो डेल्टा में इस प्रकार के मृदा का निर्माण हुआ है। और तमिलनाडु की बात करें तो कावेरी नदी के डेल्टा में जो है इस प्रकार के मृदा का निर्माण हुआ है। लेकिन उत्तर बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्र में इस प्रकार के मृदा का निर्माण इसलिए हुआ दोस्तों कि यहां पर जो है प्रत्येक वर्ष क्या होता है, बाढ़ आती है। क्या होता है, बाढ़ आती है। और दोस्तों इसमें लवण व फास्फोरस, क्या, लवण व फास्फोरस जो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रचुर मात्रा में क्या पाया जा रहा है, लवण व फास्फोरस पाया जा रहा है दोस्तों, जबकि इसमें जीवांश और नाइट्रोजन की कमी पाई जा रही है।
किसकी जीवांश व नाइट्रोजन की कमी पाई जा रही है, किसकी जीवांश व नाइट्रोजन की कमी पाई जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, अगर आपको कुछ भी रिमार्क में ना आए कि भारत की मृदा में किस चीज की कमी पाई जाती है, तो भारत में जो है सबसे अधिक कमी किसकी पाई जाती है, ह्यूमस और नाइट्रोजन की पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग अगली मृदा की ओर, और अगला मृदा है आपका आठवां, लवणीय मृदा। कौन सी मृदा है दोस्तों? अगला है लवणीय तथा क्षारीय मृदा। लवणीय तथा क्षारीय मृदा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस प्रकार की मृदा का विकास कहां कहां हुआ है। तो पहली चीज राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान में, पंजाब में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों में इस प्रकार की मृदा का विकास हुआ है। कहां कहां पर? तो राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में के जो है शुष्क और अर्ध शुष्क, ध्यान रखिएगा यहां शब्द जोड़ लीजिएगा, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा का निर्माण हुआ है। तो इन प्रदेशों में किस प्रकार के क्षेत्रों में? तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार का निर्माण हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण यह लवणीय और क्षारीय हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण यह कैसी है? लवणीय है। किसके कारण? सोडियम व मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अधिकता के कारण यह कैसी है? तो लवणीय हो गई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा में किस तत्व की अधिकता के कारण या कमी के कारण लवणीय हो जाती है, साल्टी हो जाती है? सोडियम और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण, जबकि कैल्शियम और, जबकि कैल्शियम व पोटेशियम की अधिकता के कारण, किसकी? कैल्शियम व पोटेशियम की अधिकता के कारण यह मृदा कैसी हो गई है? तो क्षारीय हो गई है। कैसी हो गई है? क्षारीय हो गई है। और इस मृदा को जो है स्थानीय क्षेत्रों में, स्थानीय भाषा में विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो स्थानीय नाम इनके कौन कौन से हैं? स्थानीय नाम है रेह, कलर, चापिन, ऊसर, कार्ल, कौन से हैं? कार्ल इत्यादि के नामों से इन्हें जाना जाता है दोस्तों। और अगर इसे जो है क्या करना है, इसे लवणीय या क्षारीय से जो है उपजाऊ मृदा बनाना है, तो इसमें चूना या जिप्सम मिलाकर, चूना या जिप्सम मिलाकर इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। किसे मिलाकर? तो चूना या जिप्सम। ऐसे आप जानते हैं कि ऊसर सुधार जो है कैसे किया जाता है, तो ऊसर सुधार जो चूना और जिप्सम के माध्यम से किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुछ और मिसलेनियस टाइप में, कि जो है कि देश में मृदा अपरदन के दुष्परिणामों को जो है नियंत्रण हेतु जो है 1953 में मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? 1953 में मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया। और दोस्तों, इसी के साथ आपका जो है मृदा से संबंधित चैप्टर समाप्त होता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।